सुस्वागतम बच्चों। इससे पहले हमने पाठ पहला सीखा है भाषा और व्याकरण। आज हम सीखने वाले हैं ये जो भाषा बनती है वो शब्दों से बनती है, और शब्द जो बनते हैं वो वर्णों से बनते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं पाठ दूसरा, वर्ण विचार। वर्ण विचार में हमें वर्ण किस तरह से बनते हैं, वर्ण की परिभाषा क्या है, ये सभी सीखने वाले हैं। भाषा जो है वो मुख से निकलने वाले जो ध्वनियाँ होती है उनसे शब्द बनते हैं, और अनेक शब्द जो हम बनाकर भाषा बनती है। तो ऐसे ही यहाँ पे देखो, शब्द की हम परिभाषा करते समय मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ मिलकर शब्द बनते हैं। मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ मिलकर शब्द बनते हैं, शब्दों से भाषा बनती है। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण लिया है, भारत। ये जो भारत शब्द है उससे हमें देश के नाम का पता चलता है। तो ये जो भारत, तो मतलब भा र त, ये जो तीन शब्द है ये मिलकर हमें तीन अक्षरों से हमें ये शब्द मिला है। किंतु भा जो शब्द मिलता है उसमें भ और आ ये दो वर्ण समाए हुए हैं, जबकि र में र और अ ये दो वर्ण समाए हैं। तो इसमें त और अ इन व्यंजन और स्वर को मिलकर ये पूरा शब्द भारत ये हमें मिला है। तो ये जो वर्ण आते हैं इन वर्णों की परिभाषा क्या है? तो वर्ण की परिभाषा है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते। मतलब हम वर्णों के भी छोटे टुकड़े नहीं कर सकते हैं। तो ये सभी जो वर्ण हैं उनकी उनको मिलकर एक वर्णमाला बनती है। तो वर्णमाला की सही परिभाषा क्या है? वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। तो इसमें अलग अलग वर्ण शामिल होते हैं। तो ये जो वर्ण है वो है, वर्णों के प्रकार दो आते हैं, स्वर और व्यंजन। इन दोनों को मिलकर वर्णमाला बनती है। किंतु इसके अलावा अतिरिक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अयोगबाह इनका भी समावेश वर्णमाला में होता है। तो ये जो स्वर होते हैं, तो स्वर जो है वो है अ आ ई ई उ ऊ रु ए ऐ ओ औ, और इन सभी स्वरों की जो संख्या आती है वो आती है 11। अब जो व्यंजन है वो है क से लेकर ह तक, ये सभी जो व्यंजन आते हैं उनकी कुल संख्या आती है 33। किंतु ये जो अतिरिक्त व्यंजन है, अतिरिक्त व्यंजन में समावेश होता है ड और ढ का। इसके बाद संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन में आते हैं ज्ञ त्र क्ष और श्र। इसके अलावा जो अयोगवाह आते हैं उसमें आते हैं अम अहा। ये हो गई पूरी वर्णमाला की जानकारी। इसके बाद जो देखने वाले हैं हम मात्राएं, ये जो स्वर आते हैं इन स्वरों को चिन्ह दिए जाते हैं, तो इनको बोलते हैं मात्राएं। तो यहाँ पे अ इसके लिए कोई भी चिन्ह नहीं आता है, आ इसके लिए आता है काना, ई पहली इकाई, ई दूसरी इकाई, उ पहला उकार, ऊ दूसरा उकार, री ऋकार, ए मात्रा, ऐ दो मात्राएं, ओ काना और मात्रा, औ एक काना दो मात्राएं, आ ये जो है उसका चिन्ह इस तरह से आता है, और ये जो इसे बोलते हैं आगत ध्वनि। तो ये हो गई हमारे मात्राओं की जानकारी। इसके बाद जो हम देखने वाले हैं वो है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जो है उनकी परिभाषा हम कर सकते हैं, जब दो व्यंजन एक दूसरे से जुड़ते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पे दोनों भी व्यंजन ही आते हैं। जैसे क जमा श्र, इसका नया जो शब्द मिला है हमें संयुक्त व्यंजन क्ष, इससे शब्द बना है क्षमा। अब इसके बाद जो आता है
द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन में एक ही व्यंजन जो है वो दो बार इस्तेमाल किया जाता है, जैसे तो जमा तो उसका शब्द बन गया तो, जैसे उदाहरण है पत्ता। इसके बाद हम देखने वाले हैं संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर में जो दो शब्द होते हैं उनको, दो व्यंजनों को जोड़कर संयुक्त अक्षर बनता है, जैसे को अधिक य उसका शब्द बन गया क्यो, क्यारी। इस तरह से हम इन संयुक्त व्यंजनों का इस्तेमाल करते हैं। आगे जो देखना है हमें वो है र के अनेक रूप। हम जब वर्ण के विचार, वर्णों का विचार करते हैं तो र के अनेक रूप पाए जाते हैं, जैसे रेफ यानी धर्म कर्म। इसका मतलब है र का इस्तेमाल रफार के अनुसार किया जाता है। दूसरा जो आता है वो है क्रोध कर्म। इसमें पाई वाले व्यंजन के साथ र का प्रयोग किया जाता है। तीसरा जो आता है वहाँ पे पाई वाले जो व्यंजन है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसे ड्रम ड्रेस। यहाँ पे जो ये पाई वाला र है उसका इस्तेमाल नहीं होता है। अब आगे देखे जाए तो र और री में अंतर आता है, जैसे क्र और क्रु। इसका उदाहरण अगर हम देखें तो क्र का उदाहरण देखेंगे क्रमांक, और क्रु का उदाहरण देखेंगे हम कृष्ण। तो इसी तरह से र एक वर्ण, इस एक ही वर्ण का अलग अलग तरह से उपयोग किया जाता है। इसके बाद जो हम देखने वाले हैं वो है वर्ण विच्छेद। अब जब हम यहाँ पे जैसे देखा हमने भारत शब्द, भारत शब्द में हमने वर्णों का विच्छेद करके देखा है, उसी तरह हम पुष्प इस शब्द का वर्ण विच्छेद देखेंगे। प जमा उ जमा श्र जमा प जमा ओ। इसका मतलब है पुष्प शब्द में व्यंजन और स्वर इन सभी को मिलकर पुष्प शब्द बना है। इसी तरह से बच्चों हमने आज वर्ण विचार यह पाठ सीखा है। धन्यवाद।